क्लब में घुसने नहीं दिया तो शराब पीकर महिला ने बाउंसर पर थूका, वीडियो हुआ वायरल। ब्रिटेन में एक महिला शराब पीने के बाद काफी विवादों में आ गई है। दरअसल 24 वर्ष की शरना वॉकर नशे की हालत में बर्मिंघम के एक बार में पहुंची थी, लेकिन उनके हालात देखने के बाद वहां मौजूद बाउंसर ट्रिस्टन प्राइस ने उन्हें क्लब में एंट्री देने से मना कर दिया, जिसके बाद वॉकर ने हंगामा मचा दिया। वारचेस्टर की रहने वाली वॉकर क्लब में एंट्री न मिलने पर हिंसक होने लगी। उन्होंने प्राइस को धक्का मारा, उसे नस्लभेदी शब्द कहे और क्लब छोड़कर जाने से पहले मुड़कर गाली गलौज करते हुए थूका। यही नहीं, जब वॉकर को अपना बैग नहीं मिला तो वो प्राइस पर चिल्लाने लगी और उसे बैग लाने के लिए बोलने लगी। 26 साल के प्राइस ने कहा कि वो इस घटना से काफी शॉक में हैं। उन्होंने बर्मिंघम मेल के साथ बातचीत में कहा कि मैं किसी तरह का विवाद खड़ा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जरूरी है कि इस महिला के व्यवहार को लेकर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। प्राइस ने आगे कहा कि लेकिन इस महिला ने मेरे साथ जैसा बर्ताव किया उसकी किसी घटना से तुलना नहीं की जा सकती है। बता दें कि प्राइस पिछले एक साल से इस बारे में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नस्लभेदी टिप्पणियां कई स्तर पर नकारात्मक तौर पर असर करती है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मैं बस इस मामले में न्याय की उम्मीद करता हूं।